पूज्य आचार्य गुरुवर सौरभ सागर जी महाराज का वह सपना भाई एक प्रेरणा भाई बलशाली प्रेरणा भाई निर्देशन जिसमें दिव्यांगों को निःशुल्क कृत्रिम अंग लगाए जाते हैं, जीवन आशा हॉस्पिटल एवं पुनर्वास केंद्र जो कि गाजियाबाद जिले में स्थापित है। प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी जब से यह जीवन आशा हॉस्पिटल का निर्माण हुआ दिव्यांगों को कृत्रिम अंग लग रहे हैं। प्रतिवर्ष भाई दिव्यांग आते हैं, दीक्षा दिवस पर आते हैं और पूज्य श्री के श्री चरणों में आकर के अपनी एक छोटी सी प्रस्तुति रखते हैं और गुरुदेव से यही आशीष चाहते हैं कि हे गुरुदेव, आपने हमारे जीवन को एक ऐसा कर दिया है कृत्रिम अंग लगा करके जिस कारण से हम जीवन को जी रहे हैं, अपने जीवन को उन्नत बना रहे हैं, तो आज वह दिव्यांग पूज्य श्री का आशीष लेने के लिए एक बार पुनः यहाँ पर पधारे हैं। किस्मत का मारा हूँ गुरुवर प्यार की थोड़ी सी झलक दिखा गुरुदेव, सब झूठे रिश्तों को छोड़ दूँ मन में भक्ति की अलख जगा गुरुदेव। किस्मत का मारा हूँ गुरुवर प्यार की थोड़ी सी झलक दिखा गुरुदेव, अलख जगा गुरुदेव। निराश क्यों होते हो? क्या तुमने आचार्य श्री 108 सौरभ सागर जी महाराज का नाम नहीं सुना? उनकी प्रेरणा से प्रेरित होकर गंग नहर के किनारे मनशापुर महावीर क्षेत्र मुरादनगर जिला गाजियाबाद में जीवन आशा हॉस्पिटल का निर्माण किया गया। क्या तुम उसके बारे में नहीं जानते जहां दिव्यांगों को कृत्रिम अंग निशुल्क लगाए जाते हैं? आओ उठो, अब तुम्हारे निराशा के दिन गए। मैं तुम्हें उस महान संत के आशीर्वाद से बने हुए उस जीवन आशा हॉस्पिटल में लेके चलती हूँ। जीवन आशा आकर मिली उम्मीदों की किरण, मंशा पूर्ण महावीर करते संकट कारण। जग में हमने ठोकर खाई, ऐसी जीवन में मस्ती हो, ठोकर बहुत खाली
अब ना गिरेंगे हम, पल पल की खुशियों से दामन भरेंगे हम। हंस के तू देख एक बार, आ जाएगी फिर बाहर, जीवन मिला है एक बार, ना कभी से तू बेकार। आया है नया मौसम, गाले तुम नई सरगम, डरना नहीं मरना नहीं भगना नहीं, अब चलिए तू खुद मंजिल चुनिए, अपने सपने बुनिए, तू खुद मंजिल चुनिए, अपने सपने बुनिए। जीवन आशा में हाथ लगा था, इसका बाई पार्ट ये हाथ नहीं था, तो इसको हमने मैं इलेक्ट्रिक हैंड लगाया है। ये पूरे जिस तरह से हमारा हाथ काम करता है, जब हम दिमाग से सोचते हैं कि हमें ये करना है, तो सेम उसी तरह से ये हाथ भी वैसे ही काम करता है। और ये देखिए इसने साथ में वैसे, इसका लेफ्ट हैंड है, तो इसने लेफ्ट हैंड से लिखा हुआ है महाराज श्री गजे द्वारा।